नमस्कार दोस्तों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपनी जो लगातार साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, उसी के बीच आज लेकर आया हूँ एक क्वेश्चनों की क्लास के। आप लोग अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रीट के जो पाठ्यक्रम में उन पाठ्यक्रम के अनुसार ही सम्मिलित किया गया है, और उसी के मद्देनजर आज हम देखेंगे, अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पाठ योजना। सबसे पहले देखो पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाया वह है, यानी कि पाठ योजना का पद किस शिक्षाविद ने दिया था, यानी कि किसने बताया था। अब इसमें देखो, नंबर 1 हर्बर्ट, जे.एफ. हर्बर्ट, ई सिम्पसन, बी.एस. ब्लूम, ई.बी. होरलॉक। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप कि पाठ योजना का पद किसने दिया था। देखो नंबर 1 जे.एफ. हर्बर्ट, नंबर 2 ई सिम्पसन, बी.एस. ब्लूम और ई.बी. होरलॉक। आप लोगों का दिमाग जा रहा है बी.एस. ब्लूम की ओर। मैं बता देता हूँ, बी.एस. ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। आप अगर कंफ्यूज में हो तो बी.एस. ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, तो इसको तो दिमाग से निकाल दो कि बी.एस. ब्लूम ने तो पाठ योजना पद नहीं दिया। जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो मैं बता देता हूँ आपको, पाठ योजना किस शिक्षाविद ने दी थी, तो वह दी थी जे.एफ. हर्बर्ट ने। किसने दिया था? जे.एफ. हर्बर्ट ने, ठीक है ना। इसी के आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधियां। आपको पता है शिक्षण विधियों के क्वेश्चन अपने मनोविज्ञान में भी आएंगे, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हिंदी में, संस्कृत में, SST में, सभी में शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की मनोविज्ञान में भी इस पेपर में कुछ शिक्षण विधियों के क्वेश्चन भी लिए गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बताओ, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? देखो नंबर 1 समस्या समाधान विधि, नंबर 2 परियोजना विधि, नंबर 3 समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, नंबर 4 व्याख्यान विधि। बताओ इनमें से कौन सी विधि होगी? देखो, सामाजिकता के गुणों का विकास, यानी कि जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। भाई ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। कब? जन्म के समय। कब की बात चल रही है? जन्म के समय। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। तो जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता जाता है, बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता जाता है। तो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि ऐसी है जिसमें बालक समाज का अनुकरण करके, समाज के द्वारा, समाज के कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज में अपने माता पिता जो भी व्यक्ति है उनका अनुकरण करके सीखता है। तो विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली विधि है कौन सी? समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, ठीक है। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक। देखो नंबर 1 स्वयं को समझने में। किसको समझने में? स्वयं को समझने में, कि अगर एक अध्यापक है, अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा स्वयं की योग्यताएं क्षमताएं के द्वारा अपना खुद का आकलन करता है, तो स्वयं को सीखने में या स्वयं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक को समझने में, भाई बालक की योग्यता, बालक की रुचि, बालक की क्षमता आदि के बारे में जानकारी भी किसके द्वारा प्राप्त होती है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है, सही है साहब। नंबर 3 शिक्षण विधियों के चयन में, भाई एक अध्यापक शिक्षण विधियों का चयन करता है, वो अपनी खुद की रुचि से नहीं करके बालक की रुचि, बालक की योग्यता, बालक की क्षमता से चयन करता है। तो शिक्षण विधियों के चयन में यह भी सही है साहब। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, अब देखो यहां पर महत्वपूर्ण बात आ गई, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। देखो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में संपूर्ण, अपने जो तीनों ऑप्शन आए हैं इन तीनों को सम्मिलित किया गया है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में स्वयं भी आ जाएगा, बालक भी आ जाएगा और शिक्षण विधियों को सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो यहां पर आंसर होगा अकॉर्डिंग है सभी सही, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, द ऑप्शन है, उसमें संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया आ गया, तो इसमें यह मानो कि संपूर्ण तीनों ऑप्शन इसमें सम्मिलित हो गए। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है,
संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, ठीक है ना। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्राचीन काल और एक बता देता हूं मैं आपको, वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। प्राचीन काल और वर्तमान काल, देखो प्राचीन काल में शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कैसे बताया गया, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया गया, जबकि वर्तमान कालीन शिक्षा में कैसी बताया गया, त्रिमुखी प्रक्रिया। कैसे बताएगी? त्रिमुखी प्रक्रिया। अब देखो द्विमुखी में कौन कौन है, एक तो शिक्षक प्लस बालक, शिक्षक प्लस बालक, शिक्षक और बालक। देखो प्राचीन कालीन शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया मानी गई है, जिसमें एक तो शिक्षक होता था और एक शिक्षार्थी। वर्तमान कालीन शिक्षा होगी कैसी, अपने त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी प्रक्रिया में दोनों को तो सम्मिलित कर लिया, जो कर लिया गया इसमें देखो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। प्राचीन कालीन शिक्षा शिक्षक प्राचीन कालीन शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि वर्तमान कालीन शिक्षा प्रक्रिया में किसको माना गया है, बालक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो वर्तमान कालीन जो प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित प्रक्रिया है, और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र भी किसको माना गया है, बालक को माना गया है। यानी कि संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान का काम है किसके इर्द गिर्द होकर काम करती है, बालक को या शिक्षक को? तो देखो यहाँ पर शिक्षक नहीं करके अपन करेंगे क्या, बालक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, ना कि शिक्षण विधि, ना कि शिक्षण विधि, ना ही पाठ्यक्रम। सम्मिलित जरूर करते हैं शिक्षा प्रक्रिया में, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखो, प्रभावशाली, देखो प्रभावशाली शिक्षक बनने, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है भाई, एक प्रभावशाली शिक्षक। प्रभावशाली शिक्षक किसे कहते हैं, यानी कि वह शिक्षक जो कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसानी से, सरल तरीके से, और बच्चों के लिए, बच्चे जिससे आसानी से सीख ले, उसे कहेंगे प्रभावशाली शिक्षक। यानी बालक भी उसको आदर्श माने, वह शिक्षण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया कहलाएगी। और प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया को बनाने के लिए एक अध्यापक बालक की रुचि योग्यता क्षमता के अनुसार पढ़ाता है, तो वह शिक्षण प्रक्रिया कैसी होगी, प्रभावशाली होगी। तो प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है वह अपने, देखो वह अपने विषय को अच्छी प्रकार जानता हो। देखो विषय का ज्ञाता तो होना आवश्यक है ही है, विषय का ज्ञाता होना बहुत ही जरूरी है। अगर विषय का ज्ञाता नहीं है तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता। नेक्स्ट देखो, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करवाए, यानी कि विद्यार्थियों से, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक अधिक सक्रिय होते हैं और शिक्षक कम सक्रिय, तो विद्यार्थियों से अधिक संभव अंतःक्रियाएं करवाए, यानी कि बालक खुद कार्य करके सीखे, ये भी सही है साहब। उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, भाई एक अध्यापक को जब तक शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, तो शिक्षण विधियों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा शिक्षण भाई जरूरत जहां पर व्याख्यान विधि की है वहां पर प्रयोगशाला विधि को काम मिलेंगे, तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होगी। तो देखो तीनों ही महत्वपूर्ण, वह अपने विषय को अच्छी प्रकार से जानता हो, वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतःक्रियाएं करवाए, उसे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, उपयुक्त सभी, यहाँ पर क्या आएगा इसमें, उपयुक्त सभी, ठीक है। चले नेक्स्ट आगे, अब देखो यहाँ पर जीन प्याजे का क्वेश्चन आया है। आपको पता है कोई भी एग्जाम हो बगैर जीन प्याजे के एग्जाम नहीं होगी, चाहे वो रीट हो चाहे सेकेंड ग्रेड हो। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है किसके अनुसार,
जीन पियाजे, इसके अनुसार जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे ने देखो बालक के संज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक मनोज्ञान का जनक माना जाता है, किसका माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है किसको? जीन पियाजे को। तो जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, देखो जन्म से 2 वर्ष किसके किसके नाम से जानी जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था। जन्म से 2 वर्ष कौन सी होगी? संवेदी पेशी अवस्था। इसे हम कह सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 वर्ष कौन सी अवस्था है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज हम इसे कह सकते हैं, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। भाई 2 से 7 कौन सी होगी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं जीन पियाजे, 2 से 4 और 4 से 7 वर्ष। 2 से 4 प्री कॉन्सेप्टुअल स्टेज, प्री कॉन्सेप्टुअल स्टेज यानी कि प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। कौन सी? प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और इंटेटिव स्टेज, इंटेटिव स्टेज यानी कि अंतर्दर्शी अवस्था। 7 से 12, 7 से 12 अवस्था में हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखो जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 12 से 15, 12 से 15 यहां पर 12 से 15 वर्ष की अवस्था होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से 15 वर्ष तक। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 12 से 15 वैचारिक क्रियात्मक अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था आदि नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, अधिगम सर्वोत्तम होगा, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, क्या चीज? अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवर्ती होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम, अधिगम यानी सीखना, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, लर्निंग यानी सीखना या सिखाना, ठीक है ना? तो लर्निंग, सर्वाधिक लर्निंग कब होगा, अधिगम कब होगा? देखो आपको मालूम है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग माना जाता है, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। आप कमेंट करके बताएं किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा होती है? आप कमेंट करके बताना, मैं अगली क्लास में फिर सॉल्व करवाऊंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग अभिप्रेरणा को किसने कहा था। तो मोटिवेशनल अभिप्रेरणा, अधिगम का अधिगम सर्वोत्तम होगा कब होगा? जब एक बालक में अभिप्रेरणा होगी। आपको मालूम है अभिप्रेरणा भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक तो आंतरिक, एक होती है बाह्य। एक तो आंतरिक होती है, एक है बाह्य। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा कौन सी मानी जाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा। जब एक बालक कोई भी कार्य स्वयं की इच्छा से करे, स्वयं की रुचि से करे, तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगी। तो अधिगम सर्वोत्तम होगा अब जब क्या होगी? अभिप्रेरणा होगी, ठीक है ना? बिना अभिप्रेरणा के अधिगम प्रारंभ नहीं हो सकता, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो,
यहाँ ये क्वेश्चन भी अधिगम से है, कहां से है? अधिगम से, कबीर के दोहे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? अब देखो यहां पर कहना क्या जाता है कि एक बालक है वो कबीरदास जी के दोहे याद कर लेता है, बहुत आसानी से याद कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन रहीमदास जी के दोहे, किसके? रहीमदास जी के दोहे उससे याद नहीं होते, जबकि किसके याद हो जाते हैं? कबीरदास जी के दोहे याद हो जाते हैं। क्या कारण है कि कबीरदास जी के दोहे तो याद कर लेता है और रहीमदास जी के दोहे याद नहीं होते? तो देखो इसमें अधिगम स्थानांतरण से पूछा है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर बाधा पहुंचे, यहां पर यह क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि कबीरदास जी के दोहे याद कर लेने के बाद एक बालक रहीमदास जी के दोहे याद नहीं कर पाता है, रहीमदास जी के दोहे याद करने में समस्या आती है, तो वहां पर अधिगम स्थानांतरण कौन सा होगा? तो कौन सा होता? नकारात्मक। दोनों स्थितियों में समानता, अगर दोनों स्थितियों में समानता होती तो यहां पर कबीरदास जी के याद करते ही रहीमदास जी के दोहे भी आसानी से याद हो जाते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, शून्य स्थानांतरण, इसको बाद में देखते हैं, पहले देखो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक यानी कि अगर बाधा पहुंचा था, सकारात्मक, सॉरी यहां पर क्या है? सकारात्मक। यहां पर अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता कि एक बालक कबीरदास जी के दोहे याद करते ही रहीमदास जी के दोहे भी आसानी से याद कर लेता है, तो हम कहते हैं कौन सा होता? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जबकि यहां पर तो ना तो बाधा पहुंचा रहे, देखो दोबारा देखो, कबीरदास जी के दोहे, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो कौन सा होगा? शून्य अधिगम स्थानांतरण। यहां पर कौन सा होगा? शून्य अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट देखो, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, देखो अधिक्रम, अधिगम के प्रक्रम में यानी कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है? सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाती है। अरे बुद्धि को या स्मृति को तेज बनाती है? कि स्मृति से इसका कोई लेना देना नहीं अभिप्रेरणा का। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करती है, यह भी नहीं है। एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करती है, बिल्कुल नहीं। नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति, अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करती है, बिल्कुल वेरी गुड आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कि कोई भी बालक नया सीखता है, अगर उसमें अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो वह बालक किसी भी कार्य को रुचि से सीखना प्रारंभ कर देता है, खुद की मर्जी से सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे एक तो आपको घर वाले धक्के देख के भेजे कि जा रीट की तैयारी करनी है, तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। एक आप खुद अपनी रुचि से, खुद में आपके अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न हो कि हाँ मेरे को रीट में सिलेक्शन लेना है, तो मेरे को रीट की तैयारी करना है। तो नए सीखने में, नए सीखने में क्या करेगा? सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करती है। वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक होने के नाते, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके पास, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक अध्यापक होने के नाते, भाई आप सब मास्टर बनने वाले हो साहब, वैसे तो मास्टर बन चुके, जिस दिन आपको बीएड की डिग्री हाथ में आई थी उसी दिन आप मास्टर बन चुके, ठीक है ना, अध्यापक बन चुके, सिर्फ पैसे आना बाकी है। और अगर आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग कार्य करवा रहे हो, शिक्षण कार्य करवा रहे हो, तो निम्न में से आप कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे? देखो इसमें आंशिक क्रिया का नियम नंबर एक, देखो आंशिक क्रिया का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कौन सा? गौण नियम। कौन से नियमों में? गौण नियम। पर तीन नियम मुख्य बताए थे सीखने के, पांच गुण बताए थे किसने? थॉर्नडाइक।
तो आंशिक क्रिया का नियम। नंबर दो, तत्परता का नियम। आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखना, किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखना, ठीक है ना। तत्परता, किस तत्परता तीन प्रकार से होती है आपको पता है, अधिगम के सिद्धांत जब थोंडा पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा तत्परता कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार से होती है। जैसे अगर कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और उसे वह कार्य कर लेने दिया जाता है तो जिससे बालक में संतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर कोई बालक किसी कार्य को करने में करने के लिए तत्पर नहीं है और उससे वह कार्य जबरदस्ती करवाया जाता है तो इससे भी बालक में क्या उत्पन्न होती है, खीज उत्पन्न होती है। अगर कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है और उससे वह कार्य जबरदस्ती करवाया जाता है तो इससे भी बालक में क्या होती है, खीज उत्पन्न होती है। तो तत्परता, बिल्कुल तत्परता से भी सीखने में आसानी होती है, सीखने में फायदा देती है, बिल्कुल अभ्यास किसको एक अध्यापक यूज में ले सकता है। आंशिक क्रिया के नियम को भी, किसको आंशिक क्रिया के नियम को भी यूज प्रयोग में ले सकता है, ठीक है ना। तो देखो आंशिक भी ले सकता है, तत्परता को भी ले सकता है। अब नेक्स्ट देखो अभ्यास, बार बार अभ्यास। अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में क्या आती है, पूर्णता आती है, तो इसका भी प्रयोग एक अध्यापक कर सकता है। प्रलोभन का नियम देखो यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा, प्रलोभन का नियम। तो बताओ क्या प्रलोभन के नियम को काम में लेना चाहिए क्या एक अध्यापक। जैसे एक बालक को 10 रुपए का नोट दिखवाकर, एक बालिका या बालक के सामने बालक को 10 रुपए का नोट दिखाकर उससे किसी पाठ का वाचन करवाया जाता है, उससे किसी पाठ का वाचन करवाया जाता है, तो वह बालक तब तक पाठ का वाचन करेगा जब तक उसको 10 रुपए मिलते रहेंगे। जिस दिन 10 रुपए मिलना रुक गए उस दिन पाठ का वाचन करना बंद कर देगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा पर एक अध्यापक को कौन सी अभिप्रेरणा पर बल देना चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा पर, कौन सी पर, आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देना चाहिए, इस पर देना चाहिए आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देना चाहिए, ना कि प्रलोभन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रलोभन का नियम, कि एक अध्यापक को प्रलोभन के नियम का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अभिकर्मित, किसने दिए थे अभिकर्मित अनुदेशन विधि, मैं बताऊंगा आपको। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि दी थी आपको पता है, किसने दी थी, स्किनर ने दी थी, कौन सा स्किनर, बी एफ स्किनर ने दी थी। अभिकर्मित अनुदेशन रेखीय शाखीय, ठीक है ना, कंप्यूटर सहायक। तो चलो देखो अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्ति की विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, अब देखो अभिकर्मित अनुदेशन विधि में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बालकों के सामने दे दिए जाते हैं, बालक अपनी रुचि से अपनी गति से सीखते जाते हैं, ठीक है ना। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्ति की विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, कौन सी होती है बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर, देखो आ जाओ, मैंने कह दिया सामग्री को बांटकर विद्यार्थी अपनी गति से, भाई बालकों को दे दिया जाता है छोटे छोटे फ्रेमों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, और बालक विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है साहब, यहाँ पर ये क्या है, सही है। सामग्री बहुत रोचक होती है, भाई रोचक हो चाहे नहीं हो लेकिन बालक अपनी गति से पढ़ते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं रोचक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सामग्री को आसान ढंग से, बिल्कुल है सही, भाई रोचक होती है अभिकर्मित अनुदेशन विधि में क्योंकि वह रुचि से अपनी रुचि से पढ़ाता है। सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सामग्री बहुत आकर्षक होती है, पर सब लगभग लगभग सब चीजें होती है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यही है इसमें कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, कि बालक अगर कोई मंद बुद्धि वाला है वह धीरे धीरे सीख सकता है, कोई प्रतिभाशाली बालक है वह जल्दी जल्दी सीख सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर अभिकर्मित अनुदेशन विधि का निर्माण किया गया है, और किसने किया था, स्किनर ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटसन द्वारा,
लिखित वर्ष 1925 में, और लिखित वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक, वाटसन देखो 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक जे बी वाटसन ने, आपको पता होना चाहिए जे बी वाटसन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। क्लार्क हल ने दिया था पुनर्बलन का। कौन सा दिया था? पुनर्बलन का। तो दिया था किसने? क्लार्क हल ने। जबकि आपको पता होना चाहिए जे बी वाटसन ने व्यवहार किस किसका व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था, कब? 1912 में। कब किया था? 1912 में। और 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में जे बी वाटसन ने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी, व्यवहारवाद। कौन सा था? व्यवहारवाद। पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान का जनक माना जाता है किसको? पशुओं पर प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? फोंडाइक ने। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है सामान्यतः पेस्टालोजी, किसको? पेस्टालोजी। व्यवहारवाद की दृष्टि से मनोविज्ञान नहीं। जो पुस्तक क्या थी? वाटसन की व्यवहारवाद। क्या थी? व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा शास्त्र की अवधारणा में निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है? शिक्षा शास्त्र की अवधारणा किस में दिखाई नहीं दे रही? शिक्षा शास्त्र की अवधारणा किस में दिखाई नहीं दे रही है? कहने का मतलब यह है, शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है? ध्यान रखना, जहां भी नहीं मिल जाए उसको सबसे पहले गोले में पैक करना, क्योंकि आपके दिमाग से निकल जाता है कि है या नहीं है, और इसी चक्कर में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना? तो देखो, और तो बाकी तीन है, एक नहीं है। शिक्षण एवं अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, बिल्कुल शिक्षा शास्त्र में शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है। शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, बिल्कुल एक शिक्षण एवं अधिगम क्या है? कला और विज्ञान दोनों। नेक्स्ट देखो, अमूर्तिकरण सामान्यकरण का विज्ञान, अमूर्तिकरण और सामान्यकरण यानी कि मूर्त वस्तुओं पर जोर देता है। शिक्षा शास्त्र किस पर देता है? मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष में किसी वस्तु को दिखाकर, प्रत्यक्ष में किसी वस्तु को दिखाकर उसके गुण और दोषों का, गुण या दोषों का अवलोकन करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। यहाँ पर किस पर जोर बता रहे हैं? अमूर्तिकरण। तो यहाँ पर अमूर्तिकरण का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं है। बाकी है शिक्षक, शिक्षार्थी एवं तकनीकी संसाधनों का एकीकरण, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्तिकरण एवं सामान्यकरण का विज्ञान। नेक्स्ट देखो, व्यवहारवादी विचारक है, व्यवहारवादी विचारक है, कौन है? जे बी वाटसन। 1912 में कब व्यवहारवाद को परिभाषित किया था? कब? 1912 में। कोहलर कैसे हैं? कोहलर कैसे हैं? संज्ञानवादी। अरे, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो किस संप्रदाय की बात करें तो गेस्टाल्ट संप्रदाय की बात करें तो गेस्टाल्ट संप्रदाय। पियाजे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कौन सा? संज्ञानात्मक। ब्रूनर पियाजे का ही शिष्य है। तो यहाँ पर व्यवहारवादी विचारक कौन है? जे बी वाटसन है। कौन है? जे बी वाटसन। देखो, निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? कौन सा कारक प्रशिक्षण, यानी कि आप कोई भी कार्य करना सीख लिया उसके हस्तांतरण में मदद, मदद यानी कि सकारात्मक, मदद यानी कि सकारात्मक। इच्छा शक्ति होगी तो आपके प्रशिक्षण के हस्तांतरण में क्या होगा? सहायक होगा। उचित वातावरण होगा तो भी सहायक होगा। परिपक्वता सहायक होगा। लेकिन आप थके हुए हो और फिर कहें कि यार तुम घर पे जो काम सीख के आए हो आज यहाँ करके दिखा, थके हुए हैं तो वह कार्य नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? थकान, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, बालक अपने व्यवहार की
सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है, कौन सी अवस्था है जिसमें बालक, एक बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों की, एक बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है, क्या चाहता है, सामाजिक स्वीकृति चाहता है, तो मैं बता दूं वो कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोर अवस्था में, और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए एक बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों की अपने हम उम्र के बालकों से स्वीकृति चाहता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हम उम्र के बालकों से स्वीकृति कौन सी अवस्था में चाहता है, बाल्यावस्था में। और सामाजिक स्वीकृति चाहता है कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। चले नेक्स्ट, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। अभी का अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है, अधिगम के लिए, अधिगम को प्रारंभ करने के लिए किसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। देखो नंबर एक, शिक्षक जरूरी थोड़ी है भाई, अपन औपचारिक परिस्थिति में अधिगम कर रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षक नहीं हो फिर भी हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक के बगैर भी बहुत सारे अधिगम होते हैं, निर्देशन के बिना भी हो सकता है, लेकिन क्या होना जरूरी है, अभिप्रेरणा। प्रेरणा जब तक नहीं है किसी बालक या व्यक्ति में तब तक अधिगम का प्रारंभ नहीं हो सकता। तो जिसके बिना अधिगम, जिसके बिना संभव नहीं है वह क्या होगा, अभिप्रेरणा, क्या होगा, अभिप्रेरणा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, एक दिग्भ्रमित, यहां पर थोड़ा सा देख लेना, दिग हो गया यहां पर कर लेंगे हम इसको, थोड़ा सा डिलीट कर देना, यहां पर दिग्भ्रमित होगा। एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है, यानी कि दिग्भ्रमित किशोर कहेंगे जो सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ऐसे जो जितने भी गुण हैं उन सबको नहीं मानकर अलग ही असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, उस किशोर को वापस सामाजिक कार्यों में, नैतिक कार्यों में लाने के लिए क्या किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, किसने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, किसने, क्लार्क हल, किसने दिया था, क्लार्क हल, और क्लार्क हल ने दिया था कब, 1915। क्लार्क हल कहते हैं सतत प्रयास और मजबूत पुनर्बलन, सतत प्रयास और मजबूत पुनर्बलन से कठिन कार्य को कार्य भी आसानी से करवाया जा सकता है। तो कैसे, बालक के अच्छे व्यवहार, देखो आजकल होता क्या है, गलत होता है, माता पिता देखते हैं कुटाई सम्मेलन कर दो वापस लाइन पर आ जाएगा, पैसे देना बंद कर दो लाइन पे आ जाएगा, इन चीजों से नहीं होगा। तो क्लार्क हल ने अपने दो शिष्यों पर प्रयोग किया था, वो इसी प्रकार किया था, ठीक है ना, उनके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करते रहे लगातार, यानी कि जैसे जैसे बालक से कोई अच्छा व्यवहार हो जाता है उसकी प्रशंसा करो, उसको मोटिवेट करो ताकि वह बालक वैसे ही व्यवहार की पुनरावृत्ति करे, तो उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके फटकार लगाकर, फटकारों काम कौन चालक हो भाई, ठीक है ना। कुटाई सम्मेलन छोटे स्तर पर शेष अवस्था बाल्यावस्था तक कर सकते हैं, बाल्यावस्था के बाद में कुटाई सम्मेलन नहीं करना चाहिए, लालच देकर दो चार दिन काम चल जाएगा लेकिन बाद में नहीं होगा, उसके दोस्तों को उजागर करके बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन करने के लिए उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की जाएगी ताकि वह बालक वैसे ही व्यवहार की पुनरावृत्ति बार बार करे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। अरे बालक सर्वाधिक खेल कौन सी, खिलाड़ी अवस्था कौन सी है खिलाड़ी अवस्था, बाल्यावस्था है, कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए तो वो कौन सी अवस्था में सर्वाधिक कारगर होगी, तो बाल्यावस्था में होगी। तो खेल विधि उपयोगी है कौन सी अवस्था के बालकों के लिए, बाल्यावस्था के बालकों के लिए। नेक्स्ट देखो, व्यवहार का करना पक्ष है,
व्यवहार शब्द को परिभाषित किया था किसने? जेबी वाटसन ने किया था। और जेबी वाटसन ने कहा था व्यवहार शब्द को परिभाषित करते हुए, किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि, किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि उसका क्या है? व्यवहार। तो देखो सीखने का भावात्मक रोना धोने से कोई मतलब है क्या? नहीं। सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का गतिक क्षेत्र बिल्कुल, गतिक यानी कि क्रिया करेगा वो बालक, निष्क्रिय नहीं होगा। सीखने का गतिक क्षेत्र बिल्कुल सही है। सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक में मानसिक आ गया, ठीक है ना। तो ये एक पहलू में आ गया। सीखने का ज्ञानात्मक क्षेत्र बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो गतिक क्षेत्र व्यवहार का करना किस पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा? कोई भी गतिविधि करेगा बालक तो वह आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में आएगा। सीखने के किस में आएगा? गतिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। सभी प्यारे विद्यार्थियों लगातार आप वीडियो देखते रहे। इसी के साथ लाइव क्लासेस में एक दो दिन में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे प्रत्येक टॉपिक करेंगे, लगातार करेंगे। थोड़ा सा बिजी था इतने दिन, अब लगातार क्लासेस मिलेगी आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ आपको बोर्ड पे क्लासेस भी लगातार टॉपिक बाय टॉपिक चलती रहेगी। और अगर आप नए विजिट किए हो द्रोणाचार्य चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ